हम बात करने वाले हैं Redmi Book 15 Pro, जी हाँ, जो कि इस बॉक्स के अंदर है। फिलहाल आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Book 15 Pro, जी हाँ, जो कि इस बॉक्स के अंदर है। फिलहाल आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। सामने आपको Redmi लिखा हुआ और इसी लैपटॉप के बारे में कुछ हाईलाइट वगैरह मिल जाती हैं। राइट साइड में आपको यहाँ पे इंटेल और MI Xiaomi की तरफ से कुछ हाईलाइट वगैरह मिलने वाली है। सामने आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बैजिंग यहाँ पे लगी हुई है। फिलहाल जल्दी से करते हैं सील को ब्रेक करके बॉक्स को ओपन और बात करते हैं इसी लैपटॉप के बारे में इसी वीडियो में। फिलहाल यहाँ पे बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पे इसको हटाने के बाद यहाँ पे कर लेते हैं सबसे पहले सेक्शन की बात छोटे से कि इसमें आपको और डेफिनेटली अपडेट अडेप्टर मिलने वाला है। जी हाँ, इसको ओपन करते हैं आपको यहाँ पे डाटा केबल मिलती है, प्लस में आपको यहाँ पे अडेप्टर मिलता है। और यहीं पे अगर बात करें अगर यहाँ पे पेपर वगैरह मिलने वाला है, नेक्स्ट बात करें लैपटॉप की मेन, तो यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन रिमूव करने के बाद यहाँ पे थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे थिकनेस आपको 90.9 mm मिलती है। वेट की बात करें आपको 1.8 kg यहाँ पे वेट मिलने वाला है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही लाइट वेट और स्लिम होने वाला है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, पर जो साइड फ्रेम वो आपको मेटलिक फिनिश में यहाँ पे मिलने वाला है। सो बहुत ही प्रीमियम लुक लगने वाली है, बहुत ही फिनिशिंग है जो बहुत ही शार्प और लुकिंग ग्रेट लगने वाली है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे सामने पीछे की तरफ, पीछे आपको यहाँ पर Redmi पावर बाय क्रिएटिविटी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो गाइज, वन हैंड आप काफ़ी आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, आराम से एक हाथ से इसको ओपन एंड क्लोज आराम से कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे बॉटम की बात करें, बॉटम में आपको यहाँ पे रबड़ यहाँ पे स्टैंड मिल जाते हैं जो कि आपको लैपटॉप को आराम से स्टैंड करने में हेल्प करने वाला है, जिससे कि आपका जो लैपटॉप है बिल्कुल भी स्लिप नहीं होने वाला। कूलिंग सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, कूल पैड आराम से आपको बहुत ही नेचुरल, आपको बिल्कुल भी हीट नहीं होने वाला, बहुत ही आराम से आपके जो लैपटॉप है उसको यहाँ पे कूलिंग कर देगा। राइट, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे हर चीज़ का यूज़ किया गया। स्पीकर आपको मिलते हैं जो कि ड्यूअल स्टीरियम स्पीकर होने वाला है, डेफिनेटली काफ़ी लाउड स्पीकर यहाँ पर होने वाले। फिलहाल मैं यहाँ पर साउंड चेक, एंड बटन की बात करते हो लेफ्ट साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, उसके साथ आपको यहाँ पे USB पोर्ट 2 मिल जाते हैं और सेंटर में आपको यहाँ पे HDMI मिल जाता है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली अगर मैं राइट साइड में बात करूँ आगे, तो राइट साइड में आपको यहाँ पे 3.5 mm जैक मिल जाता है, SD कार्ड रीडर मिल जाता है, USB आपको यहाँ पे मिलने वाली है और आपको इंटरनेट केबल के लिए यहाँ पे पोर्ट से मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो USB है वो आपके 2.1 सपोर्टेबल होने वाली है। यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करूँ आगे, जो कि शायद मेरे को बहुत अच्छी और हाईलाइट होने वाली है, वो आपको मिलती है 39.62 cm की, 50.6 inches की मिलती है, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। और जो डिस्प्ले के कलर्स है और प्लस में जो स्पीकर की यहाँ पे लाउडनेस है वो बहुत ही ज़्यादा आपको इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव होने वाली है। बेजल्स यहाँ पे आपको नॉर्मली बहुत कम मिलते हैं, नॉर्मल लैपटॉप की बात करूँ काफ़ी अच्छे हैं। आपको फ्रंट में डुअल माइक मिल जाते हैं जो कि आपके वीडियो कॉल में हेल्प करने वाले हैं। प्लस में आपको यहाँ पे 720p में आपको कैमरा मिल जाता है जो कि इंडिकेटर लाइट के साथ में आता है। बॉटम में यहाँ पे आपको Redmi लिखा हुआ मिल जाता है स्क्रीन के बॉटम में। बात करूँ अगर कीबोर्ड की बात करूँ तो कीबोर्ड की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। बिकॉज़ यहाँ पे आप टाइपिंग करते हो या कोई भी आप वर्क इसमें करने वाले हो, वो बहुत ही बिल्कुल भी आपको नॉइस है वो यहाँ पे कीबोर्ड में नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत ही आराम से इसकी कीबोर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। टच पैड की बात करें तो टच पैड आपको यहाँ पे एक अच्छी और बिग टच पैड मिलती है जो कि डेफिनेटली बहुत ही सॉफ्ट और काफ़ी फास्टेस्ट होने वाली है। राइट साइड में मिलते हैं आपको पोर्ट्स बटन मिल जाते हैं और सेंटर में भी आपको यहाँ पे बटन मिलते हैं। स्क्रीन को आप डेक्चर यूज़ करके यहाँ पे जूम आउट एंड जूम इन टच पैड से ही यहाँ पे आराम से कर सकते हो। हार्डवेयर की बात करो तो हार्डवेयर आपको यहाँ पे 8GB रैम रोम के साथ मिलती हैं। प्लस में यहाँ पे आपको 3200 mAh रैम की यहाँ पे मिलती है। प्लस में आपको 512GB आपको NVMe SSD रोम मिलने वाली है जो कि यहाँ पे डेफिनेटली इसकी स्टोरेज और इसकी पावर को यहाँ पे बढ़ाने वाली है। यहीं पे अगर मैं आगे बात करूँ और प्लस पॉइंट की, तो और यहाँ पे प्रोसेसर आपको मिल जाता है लेटेस्ट 11th जनरेशन इंटेल टिगर लेक कोर मिल जाता है जो कि बेस्ड है i5 पे, जो कि आपका
11300H पे आने वाला है। सो यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है, अब जो है कि अगर गेमिंग के लिए भी आप बहुत ही कंफर्टेबल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा होने वाला है ये, बिकॉज यार इसकी जो प्रोसेसर वो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट जनरेशन पे यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस में जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी लगने वाली है। OS की बात करें तो वह आपको विंडो 10 होम मिल जाती है, जिसमें आपको लेटेस्ट फीचर यहाँ पे मिलने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम मिल जाता है एंड स्टूडेंट एडिशन 2090 मिल जाता है एंड MI स्मार्ट सीयर प्री वगैरह सभी चीज़ यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि इस लैपटॉप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे बनाने वाले हैं। फिलहाल सभी चीज़ से ज़्यादा प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको 10 हावर्स का यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप मिलता है, जो कि शायद इस लैपटॉप में सबसे ज़्यादा और सबसे मेन पार्ट यहाँ पे होने वाला है। अडेप्टर भी आपको फास्ट चार्ज मिल जाता है। फाइनली बात करूँ तो इसकी हर चीज़ आपको कंफर्टेबल मिलती है। और आपको किस तरह का ये लैपटॉप लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी वीडियो अनबॉक्सिंग सबसे पहले देखने के लिए आपके आपसे इजाज़त। अगली वीडियो को जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।